ओके तो नंबर 19 पे हमारे पास आज यहाँ पर है थैलिक एसिड टू एंथ्रा एनिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो बेंजीन के साथ दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए हैं, और एंथ्रा एनिलिक एसिड में देखें तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और दूसरा NH2 ग्रुप है। तो इस चेंज को हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास क्योंकि आपको यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को गायब करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पर प्रोसेस यूज किया जाएगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपका थैलिक एसिड है इसको हम ट्रीट करते हैं विथ हीट, मतलब इसको हीट किया। तो जैसे आप हीट करोगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा तो आपका यहाँ पर बनेगा इस तरह से कंपाउंड बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्म में। यहाँ पर CO बचेगा, इधर भी CO बचेगा और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, आप समझ सकते हो कि यहाँ से OH और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हाइड्रोजन हटा, ठीक है। तो आपके पास केवल तीन ऑक्सीजन यहाँ पे बचेंगे, फिर दो ये और एक ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिएक्शन करा लेते हैं NH3 के साथ। NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास यहाँ पर जो कंपाउंड होगा ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा CO CO, और यहाँ पर आपके पास बनेगा NH, और यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी एक और वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। NH तो यहाँ पे जुड़ गया, और जो यहाँ से H2 है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर लिबरेट हो जाएगा। फिर हम आगे क्या करेंगे कि जो आपका ये वाला कंपाउंड बना इसको हम ट्रीट कराएंगे NaOH विद वाटर, तो ये वाला जो कंपाउंड आपके पास होगा ये चेंज हो जाएगा इस तरह से COONa, एंड यहां पर आपके पास आ जाएगा CONH2। फिर आपको याद होगा कि अगर हमें यहां से, क्योंकि हमें तो NH2 चाहिए, ये वाला तो आपका आसानी से आप इस ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो एसिड ऐड करके, लेकिन इस ग्रुप को अगर आपको हटाना है तो यहां पर CO को हमें हटाने के लिए हाउमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, Br2KOH का एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप एडिशन करोगे तो आपके पास यहां पर होगा, ये बन जाएगा आपका, डिग्रेडेशन होगा इसका, तो ये NH2 आ जाएगा, और यहां पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। फिर हम यहां से सोडियम हटाएंगे, और सोडियम को हटाने के लिए हम यहां पर क्या डाल रहे हैं, एच पॉजिटिव डालोगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास होगा वो इस तरह से दिखेगा COOH, और यहां पर दूसरे नंबर पे आपके पास क्या होगा, NH2, ठीक है। आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे, यहां पर H और यहां पर NH2, तो ये आपके पास बन गया एंथ्रा एनिलिक एसिड।